Hello, hello. आ गए सभी शुरू करा जाए बगल में स्लाइड चल रही है इनको ध्यान से देख लीजिएगा टाइम के संबंध में है स्क्रीन शॉट ले लेके रख लीजिए जिनको काम है खत्म कहाँ होती है खत्म कहाँ होती है ख्वाहिशों की मंजिलें है ना आ, मुझे कुछ कुछ भूल रहा है यार अभी अभी मैं आ, देखा था और आपको बोला भी था फिलहाल लेकिन बेज्जती हो गई यार हेलो साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार पी वी आर स्टडी में उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था हम्म पढ़ाई लिखाई सब मस्त चल रही एकदम इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है जरूरत नहीं हर किसी के पास कोई डिग्री हो उम्मीद है कि आप सभी बातों को हमारी समझ रहे होंगे और हमारी बातों से कनेक्ट हो पा रहे हैं शुरू कर दिया जाए करड़ी पढ़ रहे थे ना हम लोग करड़ी में छोटी बड़ी करड़ी आपने पढ़ा था एक छोटा सा सवाल का जवाब दे के जाइएगा उसके बाद हम आज के क्वेश्चन पे चलेंगे अंडरव तीन यहाँ पर घात है पांच और मेरे भाई यहां पर घात है सात और ये दो है इन दोनों में कौन बड़ा है अगर इसको बी बोलूं इसको ए तो ए व बी में कौन बड़ा है जवाब दीजिए फटाफट उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नॉन स्टॉप कमेंट में सबका देख रहा हूं डोंट वरी बिल्कुल कमेंट में नाम बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा बर रखिए कुछ काम होने दीजिए तब चलिए जवाब दीजिए ए व बी दोनों में कौन बड़ा है ए बड़ा है या बी बड़ा है क्योंकि इसके पहले आप इसी को पढ़े हो बहुत जल्दी हमारी कोशिश है कि आप लोग जो चाहते हैं वो सब कुछ मिले पूरा फुल आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे फटाफट ठीक है बहुत अच्छे सबसे पहला जवाब अगर किसी ने दिया है भाई हाथ उठा करके अनु कालापुर मन्नी कुमार राम कुशवाहा और लौकुश यादव हिमांशु वेरी गुड बहुत अच्छे आशीष बहुत अच्छे मायूस मत हो बंदे वजूद तेरा छोटा नहीं मायूस मत हो बंदे वजूद तेरा छोटा नहीं तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं आइए शुरू करते हैं तो मायूस नहीं होना है बिल्कुल आप वो कर सकते हो जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा तो चलिए करके दिखाते हैं आज क्या पढ़ना है करड़ी का नियम करड़ी का नियम मतलब सिंपल है मेरे भाई का है सिंपल सिंपल देखिए जैसे अब तक आपने पढ़ा होगा ये दुनिया आपने देखा होगा कि भैया हो चाचा पच्चीस में पंद्रह जोड़ना है तो चालीस हो जाता है जानते हो ना लेकिन अगर मैं आपसे कहूं अंडर रूट पैंतीस एक खोपड़ी दो है और अंडर रूट आठ है यहां पे तीन है एका जोड़ेंगे तो क्या होगा मामला फंस जाएगा ना ये ना कहना कि पैंतीस में आठ जोड़ देंगे हर जगह ये काम नहीं आने वाला है कहीं कहीं हो जाएगा समझ रहे हो ना तो ये सब कैसे जोड़ेंगे इनका कैसे गुड़ा करेंगे जैसे यहां पर पांच है यहां पर घात तीन है इसकी घात यहां पर पांच लगी है और अंडर रूट दो है इनको जोड़ना है तो क्या होगा ये करड़ी एक अलग एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपकी फैमिली हो गई मतलब इनको अलग से समझना है हम्म आगे बढ़े आयुष समझ में आ रहा है नीलांश सागर भैया तीन दिन से तो कंपेयर करना बता रहा हूं छोटी बड़ी करड़ी के आंसर बताऊं तीन दिन से छोटी बड़ी करड़ी निकालना बता रहा हूं अब नहीं बताने वाला पीछे की क्लास देखिए वहां से आंसर मिला ही है आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट सभी जुड़ गए हैं ना मुझे यही उम्मीद है कि सभी जुड़ गए हैं क्यों भाई कहा गया यार तो अब आप लोग मेरी बातों से जुड़ पा रहे हैं मतलब समझ पा रहे हैं ठीक है थोड़ा रुकना मुझे टाइम देना आधा मिनट आधा मिनट रुकना बस चलिए तो इसके पहले मैं वो चीजें बता चुका हूं हम हम्म आइए ठीक है डन करड़ी का नियम हेडिंग डालिए करड़ी का नियम उसी में सब होगा पूरी कहानी यहां पर लिखिए करड़ी का नियम हिंदी में चाहे इसको लिख लीजिए इंग्लिश में लिख लीजिए रूल ऑफ शर्ट्स मतलब जो अभी मैं गुड़ा भाग वाला सिस्टम बताया ना उसके क्या रूल है कुछ नियम कानून होता है जैसे देश में संविधान है ना वैसे मैथ में ना हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग एक रूल होता है एक नियम होता है कि उसी के अनुसार चलना है ऐसा नहीं कि जैसा मर्जी वैसे करना है कुछ सिस्टम से ही चलना है ए रुक जा सारा भाषण हम को सुना देंगे ये लोग यार बहुत गंदा लगता है जब ये लोग ना हमारे वीडियो में हम ही कोर्ट दिखाते हैं मतलब क्या चाहते हैं ये लोग आइए करडी का नियम लिख लिए पहला नियम लिखिए फर्स्ट रूल लिखिए इंग्लिश में भी इसको लिखवा दूंगा भैया रुका राजा चा देखो अगर कोई नंबर ऐसे है ये ऐसे दृश्य है ठीक है तो ये फाइनल में सारा मोहमाया छोड़ करके ए हो जाता है बस आप कहोगे इसका का मतलब है इसका मतलब देख लो भैया इधर साइड में देख लो राजा देख लो ना उदाहरण में देख लो जैसे अगर अंडर रूट यहां पर अगर पांच है घतिया यहाँ पे तीन लगा है कहो दिखा था इने? ना दिखा दिखाता ना रुक जाए एक मिनट एक मिनट समझ ना ये क्या है यहाँ पर पांच है मुझे बहुत अच्छा नहीं बनता है और यहां पर भी तीन है ये विशेष ध्यान रहे कि इसकी घात और इसके खोपड़ी की घात मतलब जिसे करड़ी घात बोलते हैं और नंबर पे जो घात हो अंदर में वो बराबर होना चाहिए ठीक है अगर ऐसा है तो बराबर ये नंबर ही आंसर हो जाता फाइनल में सभी इसको समझ पाए तो एक बार बोले यस समझ पाए ना भाई कुछ ना कुछ बोलते रहो थोड़ा मोटिवेशन अंदर से मिलता रहे समझ पाए ना ये पूरी दुकान इधर लेके चलना चाहिए यार यहां खड़े होने की जगह कम से कम इतनी तो रहनी चाहिए मुझे चलो इसको और आगे करते हैं अभी हो गया ना रूल नंबर फर्स्ट सभी एक बार यस तो बोल दो कम से कम भैया काहे को शर्मा काहे को रहे हो हिमांशु <coughs> सालनी उपाध्याय ज्योतिष सिंह इशरार खान प्रियंका सिंह <coughs> मोहित हिमांशु नित्ती गुप्ता विशाल देखो विशाल के बाद विशाद भी आ गए अच्छा है चलिए तो फर्स्ट रूल सभी समझ गए पक्का समझ गए ना तो फिर बता दो दिल खोल के एकदम ईमानदारी से बिल्कुल बिना डरे आ, ये कितना होगा भैया सात की घात यहाँ पर पांच है पांच है कितना आएगा एनी कोई आंसर देगा कोई भी ऐसी महान आत्मा है जो बता सकती है तो बता दो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है चलो रोहित सर्वेस बहुत अच्छे देखो कमेंट नहीं पढ़ेंगे बच्चे हम कमेंट से मैं नाता छोड़ा मतलब धीरे धीरे छुड़ा रहा हूं कम बोलूं कमेंट देखते हो कुछ मैडम लोग ऐसे फेमस हो गई हैं कमेंट के चक्कर में मैडम आज बड़ी गोरी लग रही हो आप एकदम मस्त लग रही हो एकदम तो ये सब चीज मैं पढ़ता नहीं इसलिए क्योंकि मुझे मैडम तो बनना नहीं है समझ रहे हो ना चलिए इसके आगे लिखूंगा अब मैं पहला नियम समझ गए बी वाला रूल देखिए दूसरा अंडर रूट ए बी अंडर रूट बोलते हैं रूट नहीं यहां पर पावर अगर यन है तो इनको आगे चल के दोनों को अलग अलग कर देते हैं वो कैसे समझिए सात कोई बताया सबसे पहले आ, अनु जी ने बताया रितु कुमारी दूसरे पर है मतलब और सब कहाँ है जिंदगी में या तो सबसे आगे रहना और या तो सबसे पीछे तभी नाम होता है वैसे आगे रहने पे ज्यादा चांस है नाम होने का पीछे रहने पे वजूद खत्म हो जाता है ऐसी स्थिति में इनको अलग अलग तोड़ के मतलब अलग अलग लिखा जा सकता है जिंदगी हो या गाड़ी कहते हैं ना टाइम पे गियर चेंज करना जरूरी है अगर बात नहीं बन रही कहीं ना तो वहां से दूर हो जाओ बहुत जल्दी ये यहां पे सिखाता है मतलब इनका उदाहरण लिख लीजिए उदाहरण इनका लिख लीजिए जैसे अगर अंडरवुड पच्चीस चौंसठ ऐसे हैं यहां पर दो है ठीक है ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग तो इसको हम दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं ऐसे इसका आंसर कितना आएगा फाइनल कोई बताएगा एनी कोई बताएगा कोई भी बता दे कोई है ऐसा महान चल भैया फटाफट ये क्या है करड़ी का नियम है इसको इंग्लिश में भी लिख ला हो भैया रूल ऑफ हां हां मैं देख रहा हूं अर्पिता का है मुंह नू का आज हम्म लाल पीला काहे को हो रहा है अगला देखिए नेक्स्ट नंबर सी नंबर या तीसरा नंबर रूल ये थोड़ा गड़बड़ टाइप का है इसको मैं बाद में बताऊंगा पहले मुंह खट्टा हो जाएगा सही नहीं है A का पावर वन अपान यन इक्वल ये अगर ऐसी कंडीशन है तो करड़ी में ये भैया ऐसा हो जाता है ऐसा ठीक है ये रूल पढ़ रहे करडी का जिससे इनका गुड़ा भाग जोड़ घटाना कुछ भी आचा पाचा हो आगे तो आपको परेशानी ना हो आकाश बच्चा है आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है भैया ठीक है इंटरनेट धीमा चल रहा है मैं फुल एच में दिखा रहा हूँ एकदम चाहे तुम टीवी में देखो चाहे लैपटॉप में डेस्कटॉप में कहीं भी देखो एकदम बढ़िया दिख रहा है और मेरी शक्ल भी और अच्छी दिख रही पहले से बिना मेकअप के गोरा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा देखो इसका मतलब समझो भैया इसका मतलब ये है कि जैसे अगर यहां पर सत्रह लिखा है यहां पर घात एक बटा सात लिखा है हा? तो इसका मतलब ये होता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये सत्रह इसमें चला आएगा ये यह सात यहां चला जाएगा बस समझ रहे हैं ना अक्सर आपको यही मिलता होगा हर जगह सात की घात एक बटा दो इक्वल अंडर रूट सात ये मिलता है ना इसका भी मतलब यही होता है सभी समझ पा रहे ना मेरी बातें लिख लो जल्दी फटाफट या आप पढ़ रहे करड़ी का नियम रूल ऑफ शर्ट अगर आपको मैथ नहीं आती ना पीबीआर स्टडी में अगर आप रेगुलर एक सप्ताह जुड़ जाते हैं यकीन मानिए मोहब्बत करवा देंगे मैथ से मतलब प्यार करवा देंगे सोना बाबू लेकिन आपके थोड़ा दिन के लिए साइड हो सकते हैं तो वो मुझे गाली देंगे बाद में कि ये का किया मेरे, का, मेरे से जुदा कर दिया तो ऐसा होता है अगर आप इसमें लग जाएंगे ना तो फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा भूल गए सब कुछ याद नहीं अब कुछ आइए ये समझ गए नेक्स्ट रूल अगला इसको सीखने के बाद आप लोग करड़ी के जो नंबर हैं उनका जोड़ घटाना गुड़ा भाग आसानी से कर पाएंगे कहीं भी कैलकुलेशन में लटक जाते हैं अगर ऐसे ऐसे कुछ मिल जाता है ना है भगवान अब क्या हो ऐसे मिल जाता है आपका क्या हो मतलब होता है मेरे साथ भी होता है तो अगर आप इनके छोटे छोटे जो गुण प्रगुण जानते रहेंगे ना तो आगे काम आने वाले हैं कितना हुआ चार नियम हुआ ना शायद अभी हम्म पचमा तो और आसान है एकदम हलवा है पांचवा नियम या ई नंबर डालिए अभी तक एबीसीडी डाल रहे थे ना तो पांच डालिए या ई एलिफेंट हाथी छोटा हाथी सात और सात बराबर सात ये करड़ी का पांचवा नियम है नियम बाद में लिख रहा हूं एग्जाम्पल पहले लिख दिया हूं ये नियम है अगर ए को ए में गुड़ा करेंगे तो बराबर ए आएगा यानी करड़ी की घात बराबर है उनके अंदर के करड़ी पद बराबर हैं, अगर आपस में उनका मल्टीपल होता है तो वही आ जाता जो बीच में रहता बस समझ में आया हा? देखो मेरे को खड़े होने की इतनी जगह मिल गई साकेते में सम्हान हो गया इतना बड़ा समझ रहे हो है ना जगह इधर लिख देता था तो यहां मुझे छुपना पड़ता था इसे अबे यार भाई सो गए थे यार काहे को डंडा करके रखे हो हा? ये टेंथ नाइन्थ वाले ना जीने नहीं देते हैं आज पता है क्या हुआ नाइन्थ की क्लास चल रही थी तब मैं खड़े खड़े यहीं पर सो रहा था और दस मिनट बाद अगली क्लास थी टेंथ वाली मुझे इतना तेज़ नींद आई मैं बगल में गया लेट गया जो था यहाँ पे बताएंगे नहीं कहाँ पे और उसके बाद फिर मैं जगह आठ बजे देख रहा था कम से कम पचहत्तर फोन आया था और कुछ बच्चों ने तो अच्छी अच्छी गाली लिख लिख भेजा था मैं स्टरबा कहाँ गया भाई लेकिन बताऊंगा नहीं सब क्या क्या बोल रहा था चलो छोड़ो सब साइड में जाओ छठवा नंबर पे आओ होता है कभी कभी शरीर ये इंजन तो है नहीं अगला देखिए ए इंटू बी जितना मैं बोलता हूं उतना सब सही नहीं होता है इतना भी जान लो इसका मतलब क्या होगा ये भी नियम है छठवें में ठीक है ये क्या होता है अभी एक आपने देखा अगर ए भी है तो उनको अलग अलग कर सकते हैं ना इसमें क्या है इनको एक में कर सकते हैं ये भी करड़ी का नियम है लेकिन है चर्चा सुना हो इस पे जो घात है वो बराबर होनी चाहिए मतलब यहां पर भी अगर यन है तो यहां पर भी यन ही रहनी चाहिए तो यहां पर भी यन ही रहेगी समझ रहे हो ना कोशिश करो समझने की अब आगे देखो समझो ये समझ में कुछ? आ कुछ अभी कुछ और समझाता हूं ये ऐसा हो सकता है लेकिन अगर ये ऐसा है ए यहां पर यन और यहां पर बी यहां पर यम तब भैया ये डज नॉट इक्वल ए बी ऐसा नहीं होगा ये दोनों घात बराबर होनी चाहिए जिन्हें करड़ी घात बोलते हैं जो इसके चुरकी पे रहता है ना उसको करड़ी घात बोलते हैं लेकिन ये दोनों बराबर होना चाहिए एक के नंबर होना चाहिए तब ऐसा हो सकता है नहीं तो नहीं होने वाला ऐसा बस इसको बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा समझ गए ना मतलब इनका खोपड़ी मुंह थूथुन जो भी तुम जान लो वो एक जैसा होना चाहिए बस एग्जाम्पल देख लीजिए हाँ, जैसे जैसे का जैसे मान लो ये पांच है और ये अंडर उर्दू है एक चीज और जान लीजिए बहुत ही छुपा हुआ ज्ञान है कि इस पर अगर कुछ नहीं लगा है इसका मतलब दो है फिर दो छिपा रहता है समझ रहे ना दो छिपा रहता है जैसे अगर कोई इंसान आपकी निस्वार्थ भाव से बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है मतलब कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव है आपके ऊपर तो बहुत सारी उम्मीदें छिपी हैं उसकी आपसे जो आपको नहीं पता है एकदम सेम यही रूल है तो यहां पर क्या है दो ही छिपा रहता हमेशा तो ये फाइनल में आपका रूट दस हो सकता है बस यही मतलब है सभी को समझ में आया ये हमारा उड़ रहा ऊपर जबकि इसको यहां चिपक के बैठना चाहिए आप सही है कुछ इसी के खोपड़ी के इसमें चुर्की में छुआ होना चाहिए मतलब कमलेश एसपीएन कुछ समझ में आ रहा है क्यों भैया मोहन जी समझ में आ रहा है अनुज पाल सनी भगवान सबको आ रहा है अंकिता हरितु ये कितने नियम हो गए छे हो गए ना करड़ी का नियम पढ़ रहे हैं अभी आप बहुत इम्पोर्टेंट है एकदम मैं इसको कितना अच्छा बोलूं इतना शब्द नहीं है मेरे अंदर चाहे आप नीट जेई वाले हैं टीचर भर्ती वाले हैं सैन्य सेवाओं में जाने वाले पुलिस सिपाही आर्मी सीएसएफ बीएसएफ किसी भी एग्जाम वाले हैं या रेलवे वाले हैं हर जगह हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये इसकी ऐसे ही मान लो आलू है आलू आलू जानते हो कि नहीं आलू विभिन्न प्रकार की मल्टीपल पकवानों और सब्जियों में उपयोग किए जाने वाला एक सब्जी है है ना तो बस ऐसे मान लो आप सभी को समझ में आ रहा तो एक बार यस बोल लें, यस कितना हो गया छे हुआ सात नंबर लिखिए सात नंबर लिखिए ए भाई बहुत देर हो रही यार अभी ना यूट्यूब एकान में जो गए थे उसका वीडियो भी बनाया था बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स के साथ उसको भी आप लोगों को दिखाना है लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है एक हफ्ता हो गया सात दिन हो गया अंडरवुड एक आई स्क्वायर अगर ये वर्गमूल में है तो फाइनल में ए हो जाता है ठीक है अंडरवुड सात की घात दो बराबर सात ये आपका रूल नंबर सात है आठवा नंबर में देख लीजिए आठवा नंबर में देखो भैया देखा हो अगर ये अंडर रूट ए अपान बी है और इसकी घात यन है तो इसको फाइनल में अंडर रूट ए और ये अंडर रूट में बी इसकी घात यन ऐसा किया जा सकता है उदाहरण के लिए काम कहां आता है वो देखिए उदाहरण ये है जैसे देखिए यहां पर सात है आ? थोड़ा समझना सात है ये पच्चीस है हाँ पर दो है अब ऐसा क्या है कि दोनों फंस गए इसी में मान लो कि एक ऐसी आफत की गली में फंसे हो दो लोग फंसे हो जिसमें एक लोग को तो निकला जा सकता है लेकिन दूसरे लोग को उसी में समाहित तो होना होगा तो दोनों लोग मत हो जाओ कम से कम एक लोग तो निकल जाओ तो बस वैसे है यहाँ पे इनको अलग अलग किया जा सकता है ऐसे ठीक है तो सात का वर्गमूल तो हो नहीं सकता है तो रूट सात ही रहेगा पच्चीस का हो जाएगा तो ये पांच हो जाएगा यानी इसको अलग अलग किया जा सकता है चिन्ह को बस इसका ये मतलब है कैलकुलेशन में काम आता है ये आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो खूब दबा के भाई काहे को बहुत निराश कर रहे हो आप लोग टूटे हुए दिल की चटनी ना बनाओ भाई थोड़ा कुछ तो यार सपोर्ट करो बच्चे बहुत कमा रहे हैं सभी को समझ में आ गया और बताऊं या टाइम ओवर क्या कह रहे हो आप लोग क्लास को तो शेयर कर ही नहीं रहे हो बच्चेवा तो बहुत कम आ रहा है मज़ा नहीं आती थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिलता है अगर बच्चे बात कम आता ढेर सारा तो भैया कक्षा दस वाले मैं आप लोगों से ना सच्ची बताऊं ना तो मैं कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं क्योंकि तुम क्लास में तो आते हो नहीं पूछते बहुत बार हो कब चलता है कब चलता है और क्लास में आते नहीं तो मुझे घरियाने का मन करता है सही बता रहा हूँ दिल से बोल रहा हूं मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम आठ सौ बच्चे जुड़े हैं तीन चार ग्रुप है कच्छा दस वाले लाइव चलेगा तो बीस ठीक आएगा कहो दस ठीक आएगा कहीं पचास ठी आएगा बस और क्लास कौनों भी चलेगा रात के दो बजे चला दो तब भी आ जाएगा एक आध ठीक कब चलता है गुरु जी दस वाला नौ वाला कब चलता है क्या कहूँ टेलीग्राम पे आप सभी ज्वाइन किए हो कि नहीं आगे बढ़े सभी साथी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो हमें भैया पीवीआर स्टडी को अभी इसमें एक आत रूल और भी है जाना नहीं कहीं आ, कितना हो गया आठ हो गया नौ और दस एक रूल और भी है देखिए रूल नंबर नौ ये बहुत अजीब टाइप का है ए है आ, यहां पर यन है और फाइनल में यम है ठीक है हो समझ रहे हो ना तो इसमें का होता है इसमें ए घतिया इसके अंदर में आ जाती है ऐसा हो जाता है यह नियम है ठीक है रूल है यानी जो ऊपर घात लगी अंदर में हो जाती है उदाहरण देख लीजिए जैसे अंडरवुड पांच इसकी घात तीन यहां पर दो है तो ये ऐसा हो जाता है कुछ समझ गए ना ये उदाहरण है इसका सभी समझ गए ना हम्म लिख लीजिए जल्दी नोट करिए जयंती राज कह रही हैं कि मैं बीएससी कर चुकी हूं लेकिन मुझे मैथ नहीं आती है आपका क्लास अच्छा लगता है जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं जिनको कोई भी इंक्वायरी करना है पूछताछ करना है उस पर मैसेज करें व्हाट्सअप करें विशाल जी माफी चाहते हैं कि आपका कोर्स अभी तक नहीं चला देखिए जब ज्यादा बच्चे किसी बैच में इनरोल करते हैं एक साथ में तो सबको बारी बारी मतलब एक्टिवेट किया जाता है टाइम थोड़ा लग जाता है कभी कभी टेलीग्राम पे सभी ज्वाइन कर लेना पीबीआर बी को स्टडी भैया तभी क्लास मिल पाएगा लिंक वगैरह शेयर करते हैं रोज ये हो गया आगे एक और भी नियम है इसमें अभी एक मैं छोड़ा भी था वो भी लिखिए लिखिए सभी फटाफट एक नियम और भी है दस नंबर है शायद ये कि जब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी ये होता है ना तो ये फाइनल ए माइनस बी होता है को ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हुँ? और किसी भी नंबर का अगर रूट में है उसका स्क्वायर करोगे तो वही नंबर आती है ये पहले से जानते हो इस तरह से आपने आज करड़ी का नियम देखा जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए तो ये बराबर सात माइनस तीन बराबर चार आएगा कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत सबको कि नहीं हम्म स्क्रीन पर अगर आप पहली बार आए तो आपको एक वोटिंग के लिए क्वेश्चन दिखा होगा जिसमें पूछा गया होगा कि आप पी स्टडी से कब से जुड़े हैं और हमारे कमेंट करने वाले जो साहब क्वेश्चन लगाए थोड़ा टाइपिंग में भी मिस्टेक किए हैं तो ये आज का क्लास यहीं पर एंड होता है हो गया कहानी खत्म जिनको लिखना लिख लीजिए उम्मीद है कि आप हमारी बातें समझ गए हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े बिना देर करे हुए मायूस मत हो बंदे वजूद तेरा छोटा नहीं मायूस मत हो बंदे वजूद तेरा छोटा नहीं तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं और इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सब कुछ हासिल कर सकते हो यार अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है पीवीआर स्टडी के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ में सब कुछ आने लगेगा चैनल को सब्सक्राइब एक अक्टूबर दो हजार बाईस से आपका एक नया बैच आ रहा है बीच बीच में नया बैच आता रहता है उसके लिए अगर आप पी स्टडी के टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या टेलीग्राम पर पी स्टडी सर्च कर सकते हैं तो आपको सारी अपडेट हम देते रहते हैं